तो दोस्तों, भारतीय रेलवे 100 नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए प्राइवेट कंपनियों से बोलियां मांगी थी, जिनमें से दो कंपनियों ने वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में रुचि दिखाई है और इनमें से किसी एक को यह ठेका दे दिया जाएगा। इनमें से एक भारतीय कंपनी है जिसका नाम मेधा सर्वो ड्राइव्स है, जो कि स्विस कंपनी एस्टेटलर के साथ मिलकर ट्रेन बनाएगी। वहीं दूसरी ओर फ्रांस की एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एल्स्टॉम है। हालांकि एल्स्टॉम पहले से ही दिल्ली में मेट्रो के लिए कोच का निर्माण कर रही है और संभव है कि ये वंदे भारत स्लीपर कोच के साथ बनाई जाएंगी। इनमें से एक और नई बात यह होगी कि इनकी बॉडी अब स्टेनलेस स्टील की नहीं होगी। दोस्तों, भारत की ब्रांडेड वंदे भारत ट्रेन के लिए 1 लाख जरूर करिएगा। साथ ही इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक जो वंदे भारत ट्रेन बनाई जा रही थी उसकी बॉडी स्टील की थी, लेकिन अब नई वंदे भारत ट्रेनों की बॉडी को एल्युमिनियम से बनाया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एल्युमिनियम की वंदे भारत ट्रेनें पहले की अपेक्षा काफी अधिक खर्च से बनेगी, लेकिन फिर भी भारतीय रेलवे एल्युमिनियम का यूज करके वंदे भारत की बॉडी क्यों बनाएगी? दोस्तों, भारतीय रेलवे फ्यूल सेविंग के लिए अपने सभी रेलों को इलेक्ट्रिफाइड करते जा रही है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में फ्यूल बच सके। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग की ओर भी अपनी ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि एल्युमिनियम से बनी वंदे भारत अधिक हल्की होगी और ज्यादा बिजली बचाने वाली होगी। भारत में अभी तक एल्युमिनियम से ट्रेनों का निर्माण नहीं किया जाता था, क्योंकि देश के पास इतनी तकनीक और मटेरियल उपलब्ध नहीं था। हालांकि इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। सौदे की शर्त के मुताबिक रेलवे इनके निर्माण के लिए कंपनियों को अपनी जगह यानी कारखाना मुहैया कराएगा। जो भी कंपनी बोली जीतती है उसे 35 साल तक इन ट्रेनों की देखरेख का ठेका भी मिल जाएगा। कंपनी को ट्रेन बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और रखरखाव के लिए जो भी रकम तय होगी वो 35 साल बाद मिलेगी। आपको बता दें कि मेधा सर्वो और अल्स्टॉम ने इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई है। रेल मंत्रालय 2024 तक पहली स्लीपर वंदे भारत पटरियों पर उतार देना चाहती है। इसके अलावा अगले कुछ सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन का लक्ष्य रखती है। शुरुआती 10 वंदे भारत ट्रेनों को मिली सफलता के बाद भारत सरकार ने इसके निर्माण की गति को और भी तेज बनाने की योजना बनाई है। अब इसका निर्माण केवल चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही नहीं होगा, बल्कि हरियाणा के सोनीपत, महाराष्ट्र के लातूर और उत्तर प्रदेश के बरेली में भी किया जाएगा। तो दोस्तों, जाते जाते अपनी राय हमें कमेंट जरूर करिए। साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।